पुराने समय की बात है। एक गुरुजी थे, नाम था पंडित वृषभान। थे तो गरीब, लेकिन ज्ञान बांटने वाले गुरु के रूप में उनका बहुत नाम था। उनका एक छोटा सा आश्रम था। उस आश्रम में बड़े बड़े लोग भी अपने पुत्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजते थे। गुरुजी छोटे बड़े घरों के बच्चों में भेद नहीं करते थे, वे सबको समान प्यार देते थे। उनके आश्रम में एक राजकुमार भी पढ़ता था। कई वर्षों की शिक्षा के बाद गुरुजी ने राजकुमार से कहा, वत्स, तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई। अब तुम 4 दिन बाद अपने घर जा सकते हो। राजकुमार बहुत प्रसन्न हुआ। वह सोचने लगा कि कितने वर्षों बाद वह अपने लोगों को देखेगा, उन जगहों को देखेगा जहाँ खेल कूद कर उसका बचपन बीता है। इतने दिनों बाद कैसा दिखेगा वह सब कुछ। राजकुमार ने घर संदेश भेज दिया कि वह अमुक दिन आश्रम से विदा हो रहा है, सवारी भेज दी जाए। नियत समय पर राजकुमार के लिए राजधानी से रथ आ गया। सुबह सुबह राजकुमार गुरुजी से आशीर्वाद मांगने गया। तब गुरुजी ने कहा, वत्स, खूब फलो फूलो, सुखी रहो और दूसरों को सुखी रखो। गुरुजी क्षण भर को रुके, फिर कटु शब्द बोलकर राजकुमार को अपमानित किया। गुरुजी की बातें सुनकर राजकुमार लज्जित हुआ। उसकी समझ में नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। उसने गुरुजी के चेहरे को देखा, वहाँ क्रोध का नामो निशान नहीं था, चेहरा शांत था। राजकुमार की रोती आँखों में सवाल, मुझे क्यों अपमानित किया गुरुजी? मैंने क्या अपराध किया था? राजकुमार की आँखों के सवाल समझकर गुरुजी बोले, वत्स, इतनी शिक्षा बाकी रह गई थी। राजकुमार राजधानी पहुँचा तो राजमहल में चारों ओर खुशी छा गई। जो राज कर्मचारी राजकुमार को लेने गए थे, उनसे यह जानकर राजा को क्रोध आ गया कि आते समय गुरुजी ने राजकुमार को अपमानित किया है। राजा बोला, उस दरिद्र पंडित की यह मजाल कि राजकुमार को बेवजह अपमानित किया। जाओ पकड़ लाओ उस पंडित को, मैं उसे इस गुस्ताखी का मजा चखाऊंगा। फिर क्या था, सिपाही पंडित वृषभान के आश्रम की ओर दौड़े, लेकिन पंडित जी आश्रम में होते तो मिलते। वे जानते थे कि राजकुमार को अपमानित करने के कारण राजा उन पर बहुत गुस्सा करेगा, पकड़कर उन्हें सरेआम पिटवा देगा, इसलिए वे लापता हो गए थे। जब उन्हें लगा कि अब राजा की उत्तेजना ठंडी पड़ गई होगी, तब वे वेश बदल कर राज दरबार में पहुंच गए। उन्होंने देखा कि एक किसान लगान न देने के जुर्म में लाया गया है और उसे अपमानित किया जा रहा है। पंडित जी ने अनुभव किया कि राजकुमार हर शब्द के साथ खुद थोड़ा सिहर उठता था, और जब उससे सहन नहीं हुआ तब चिल्ला उठा, बस कीजिए पिताजी, बहुत अपमानित कर चुके हैं। पंडित वृषभान ने ताली बजाते हुए कहा, शाबाश राजकुमार, शाबाश। सबने चौंक कर पंडित जी की ओर देखा। राजा ने गुस्से से पूछा, कौन है आप और यह क्या शाबाश शाबाश लगा रखा है? पंडित जी ने अपना नकली वेश उतारते हुए कहा, मैं पंडित वृषभान हूँ, आपके पुत्र का गुरु। राजा हैरानी भरे स्वर में बोला, अच्छा अच्छा, तुम हो तो तुम्ही ने मेरे पुत्र को अपमानित किया था, तुमने यह हिमाकत क्यों की थी? पंडित वृषभान हंसे और बोले, क्यों की थी? राजकुमार की आज की हरकत देखकर भी पूछ रहे हैं क्यों की थी? आपने मुझे राजकुमार को शिक्षा देने का काम सौंपा था ना? मैंने इन्हें शिक्षा दी, अपमानित करना भी उसी शिक्षा का अंग था। मैं जानता था कि राजकुमार कल राजा बनेंगे और प्रजा को दंड देंगे। दंड देते समय उन्हें याद रहे कि अपमान भरे शब्द कितनी तकलीफ देते हैं, इसलिए मैंने उन्हें इस तकलीफ का अनुभव कराया था। राजा बनने से बड़ा होता है मनुष्य बनना, जो दूसरों के दर्द को समझता हो। राजा जब तक कुछ कहे, राजकुमार आगे बढ़कर गुरुजी के चरणों पर लौट गया। फिर पश्चाताप सा करते हुए बोला, क्षमा कीजिए गुरुदेव,
आपकी शिक्षा के रहस्य को न मैं समझ पाया न मेरे पिता। आपने दूसरों की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझने की जो शिक्षा मुझे दी थी, आज मैंने उसका अनुभव कर लिया। आप धन्य हैं गुरुदेव।